हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हिमालय काजल का रिव्यू। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। इससे पहले भी दोस्तों मैंने बहुत सारे काजल का रिव्यू शेयर किया हुआ है, आई बटन पर मैंने उन वीडियोज का लिंक आपको दे दिया है, तो प्लीज आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो ये क्यूट सी प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है इस तरीके से। और दोस्तों, ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, ट्रैवल फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली भी बहुत ज्यादा है। और हिमालय के दोस्तों और भी प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है और भी बहुत सारे काजल का रिव्यू भी मैंने शेयर किया हुआ है, तो मैं आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोज का लिंक दे दूंगी, तो प्लीज आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। ये है हिमालय काजल आई डिफाइनर, एक्स्ट्रा स्मूथ कूल्स आईज। और दोस्तों, आपको सिर्फ ये 45 रुपीज में मिल जाता है। चलिए दोस्तों, मैं इसे ओपन कर दिखाती हूँ और इसे लगाकर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, क्यूट सी पैकेजिंग में आता है। ये देखिए, बस ये इतना ही ओपन होता है, ये आप देख सकते हो। इसकी जो टिप है बहुत ही अच्छी है, इससे आप आईलाइनर भी ड्रॉ कर सकते हो और काजल की तरह तो ऑफकोर्स आप इसे लगा ही सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, इस काजल का मैं आपको वाटर प्रूफ और स्मज प्रूफ टेस्ट भी कर दिखाती हूँ। चलिए, और इसे लगाकर दिखाती हूँ कि आप इसे कैसे लगा सकते हो। आप इसे आईलाइनर की तरह भी लगा सकते हो और काजल की तरह तो लगा ही सकते हो। और दोस्तों, इस काजल को टीनेजर्स भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप अगर कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, तब भी आप इसे यूज कर सकते हो और छोटे बच्चे भी इसे लगा सकते हैं। ये हर्बल काजल है, इसका कोई नुकसान नहीं है, तो 5 साल से ऊपर के बच्चे भी इसे लगा सकते हैं। तो अभी दोस्तों, मैंने अपनी आईज पर सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया है और ताकि स्वेटिंग वगैरह ना हो। तो बस अब मैं इसे लगाकर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जेट ब्लैक काजल है। काजल तो जेट ब्लैक है, कलर बहुत अच्छा आया है। ये देखिए, इसका एक आपको हैंड स्वॉच भी कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जेट ब्लैक है। ये देखिए, बहुत प्यारा काजल है, 1/5 में ही बहुत अच्छा कलर देता है। और ये देखिए, तो अभी थोड़ा सा ड्राई हो जाने दीजिए, थोड़ा सेट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं इसका वाटर प्रूफ और स्मज प्रूफ टेस्ट भी आपको कर दिखाती हूँ। तो चलिए, मैं आईलाइनर की तरह तो इसे लगा ही चुकी हूँ और इसे काजल की तरह भी आपको लगाकर दिखाती हूँ। और आपने इसे लैश लाइन पर ही लगाना है इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने काजल को लगा लिया है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा काजल है ये। और चलिए, मैं इसका वाटर प्रूफ और स्मज प्रूफ टेस्ट भी कर लेती हूँ। तो ये ड्राई हो चुका है, तो आप ये देख सकते हो, मैं इसे स्मज कर दिखाती हूँ। ओप्स, तो ये स्मज होता है भैया, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये स्मज हो जाता है और ज़्यादा देर तक आई थिंक आपकी आईज पर टिकने वाला नहीं है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है, ऑयली आईलिड है, तो ये बिल्कुल नहीं टिकने वाला है। समर के लिए तो मैं नहीं बोलूंगी इस काजल को, लेकिन विंटर में आप इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। परचेज लिंक मैंने इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है दोस्तों, प्लीज आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने अभी अपनी आईज को पानी से वॉश कर लिया है। और ये जो काजल है ना, आप देख सकते हो, वाटर प्रूफ भी नहीं है ना ये स्मज प्रूफ है। ये देखिए, तो थोड़ा सा ये आईलिड के ऊपर लगा है और थोड़ा सा यहाँ पर लगा है लोअर लैश लाइन के नीचे। तो ये ना तो वाटर प्रूफ है ना ये स्मज प्रूफ है। टेस्ट मैंने आपको कर दिखा दिया है अभी। और ये देखिए, ये पानी से भी निकल जाएगा। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा रब करते हैं ना, तो पानी से भी ये निकल जाएगा। वैसे उतना ज़्यादा नहीं निकला है, ये आप देख सकते हो। बट यस, ये स्मज होता है, ये देखिए। तो आप इसे समर में यूज़ ना करें, आप इसे सिर्फ विंटर में ही इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये आज का काजल का रिव्यू पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एमएक्स टेक पर भी। और दोस्तों, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियोज बनाती हूँ, प्लीज दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर देना दोस्तों। मैं हर रोज वीडियो अपलोड करती हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल बटन को हिट करेंगे। और दोस्तों, हर सैटरडे संडे में लाइव भी आती हूँ, रात को 8 से 9 बजे के बीच में, तो प्लीज मुझे वहां भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप लाइव में भी मुझसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ और भी ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।